चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल 2024 गुरुवार की शाम को 4:15 पर हो जाएगा, जो कि 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वह 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा 6 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6:11 से लेकर के 8:11 तक कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवह असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु हमारे शास्त्रों में मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष एकादशियों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए और कम से कम अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के सानिध्य में रह करके एकादशी उद्यापन करना चाहिए। यदि स्वयं उद्यापन नहीं कर पाते हैं तो किसी ब्राह्मण देवता पुरोहित या आचार्य के द्वारा भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है उसे 11 का व्रत भी कहा जाता है और यह व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्यों के कई जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन या पराया अन्न आपको ग्रहण करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ भी दान पुण्य आपको कर देना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं और पूजा अर्चना करके पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके जल का पात्र रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं, संकल्प करने में असमर्थ है तो आप मानसिक रूप से भी मन में यह निश्चय कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनी भोक्षामी पुंडरीकाक्ष शरणम् मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे अच्युत, हे दामोदर, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपको एकादशी का संकल्प धारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आप निष्काम भाव से व्रत कर रहे हैं
निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से कोई व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना लेकर के जो व्रत किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। आसन पर बैठ करके अपने शरीर को जल के माध्यम से शुद्ध करके, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पूजन की थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जव या तिल, पीले पुष्प, दक्षिणा और सुपारी रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। जब एकादशी व्रत का संकल्प धारण करते हैं तो हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है तथा हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, पीले पुष्प रखे, कुछ दक्षिणा रखे, सुपारी रखे और अक्षत के स्थान पर जव और तिल रख करके तीन बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे ही संवत 2080 मासानाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही चैत्र मासे ही कृष्ण पक्षे ही एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः पाप मोचनी एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः भृगु वासरान्वितायाम मा धनिष्ठा दिवस नक्षत्रैः कुंभ राशिस्ते श्रीचंद्रैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरुः मीन राशिस्ते श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी यहाँ पर उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मीश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे चैत्र मासे कृष्णपक्षे पाप मोचिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज मैं पूरे नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इसमें मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक मान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। यदि आपके द्वारा किसी प्रकार से नियमों का पालन नहीं हो पाता है या कोई भी गलती हो जाती है तो आप एकादशी के दिन हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना कर ले, क्योंकि प्रभु का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, करुणा निधान है। वो तो क्षमा के सागर है, वो तो दया के सागर है, इसलिए आपको क्षमा अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो आप निर्भय होकर के प्रेम के साथ में एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत जिस दिन किया जाता है उस दिन सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, अपने माता पिता पूज्य पुरुषों गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें,
गौ माता का पूजन करें तथा एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी समस्त वस्तुओं को फलाहार के रूप में माना गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के जो फल होते हैं, आलू होता है, साबूदाने होते हैं, मूंगफली दाने होते हैं, सभी प्रकार के सूखा मेवा जैसे ड्राई फ्रूट्स, मखाना, अंजीर, काजू, बादाम, किशमिश, मिश्री, ये सभी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चाय काफी पी सकते हैं। दिन में आप चाहें तो एक समय फलाहार कर ले, दो समय फलाहार कर ले, तीन समय फलाहार करें। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फलाहार के साथ आपको हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहारी नमक का ही इसमें उपयोग किया जाता है, सादे नमक का उपयोग इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलतीवश आप दिन में सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी की जो व्रत कथा होती है वो हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। यदि संभव हो तो पारणा के समय ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाएं। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें, या फिर भोजन के निमित्त नगद धनराशि भी ब्राह्मण देवता को आप प्रदान कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजन पाठ करने का विशेष रूप से विधान बताया गया है। एक चौकी के ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। गेहूं की ढेरी रख करके, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश रख करके, उसके ऊपर आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके, मौली कलावा रक्षा सूत्र बांध करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा अर्चना करें, फिर कलश की पूजा अर्चना करें और उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का या राधा कृष्ण का या विष्णु के कोई भी अवतार का पूजन अर्चन करें। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो आप व्रत अवश्य करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में हैं, तो भी उनको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान से स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। कथा का श्रवण उनको करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है वो भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत अधिक शरीर को कष्ट नहीं देना है। अच्छी प्रकार से फल या फलाहारी वस्तु का सेवन करके ही गर्भवती माताओं बहनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। कई माताओं बहनों का एक सवाल रहता है कि एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, तो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आपके यहां ऐसी कोई परंपरा है तो एक दिन पहले बाल धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य रूप से आपको स्नान कर लेना चाहिए और एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। निर्धारित समय पर ही आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए,
फिर भी आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक आपका व्रत निरंतर जारी रहेगा। जब हम द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करते हैं तो उस दिन आप भगवान का पूजन अर्चन करें और हाथ में जल लेकर के ध्यान करें कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, आज मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे प्रदोष का व्रत हो या शनिवार का व्रत हो, तो ऐसे में आप व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने की जो विधि है वो जल, तुलसी पत्र, मिश्री से, पंचमेवा से, ड्राई फ्रूट्स से, भगवान के पंचामृत या चरणामृत से भी कर सकते हैं। यदि अगले दिन कोई और व्रत नहीं है तो आप भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि चावल को देव अन्न की संज्ञा दी गई है और दशमी तथा एकादशी 2 दिन तक लगातार हम चावल का परित्याग करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन भोजन के साथ चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। देव अन्न को सम्मान देते हुए इस दिन चावल का उपयोग किया जाता है। यदि आप सुबह के समय चावल का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो जब शाम को भोजन करें उस समय चावल का उपयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं। अब हम आप सभी को पापमोचिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम गुरुदेव की वंदना करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयंतीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फूलेन्दी वरकांति बिंदु वदनं बरहवतन सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपी नाम नयनोत्पलार्चितटनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय
जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक सभी की बात है, शौनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आज हम सभी आपके श्री मुखारविंद से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताया है तथा उसकी कथा सुनाई है। अब मैं आपके श्री मुखारविंद से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी व्रत कथा क्या है, उसका क्या महात्म्य है, ये सब कुछ सुनना चाहता हूं। आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था, जो आज तुमने मुझसे किया है, अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूं। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है, कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। महर्षि लोमस ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत करने से और इसके पुण्य प्रताप से मनुष्यों के अनेकों जन्म के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र यानी देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ करके वीणा बजा करके मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय
भगवान शिव के भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया। तो महर्षि मेधावी भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर के उसके साथ में रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मंजूघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात को सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर के अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय व्यतीत किया। मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्रवर, हे ऋषिवर, अब आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मुनि ने इस प्रकार वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात को सुनकर के अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना मेरा क्या उचित है। अप्सरा की बात को सुनकर के मुनि को उस समय बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 साल व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान करके देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। गुस्से से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारिणी है, तुर्चवर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से इसी समय पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख करके वह व्यथित होकर के बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग करके प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत समय बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजूघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूघोषा की बात को सुनकर के मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूं। ऋषि कहने लगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह मुक्त हो जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ष में जो एकादशी आती है उसमें पाप मोचनी एकादशी ऐसी एकादशी है जो बड़े से बड़ा पाप भी मनुष्य का नष्ट कर देती है। ऐसा कह करके मुनि ने उसको व्रत का
सारा विधि विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चवन ऋषि के पास में पहुंच गए। चवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देख करके कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज भी मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका करके पिता को प्रणाम करके कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई सरल उपाय मुझे बताइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से भक्ति पूर्वक करके उपवास करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चवन ऋषि के वचनों को सुनकर के मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से या श्रवण करने से या पठन करने से 1000 गाय का दान करने का पुण्य जो मिलता है वही पुण्य प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, अगम्या यानी वेश्या के साथ गमन करने वाला आदि भयंकर से भयंकर पाप भी मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यही एक ऐसी एकादशी है जो मनुष्य के सारे जाने अनजाने पापों को जड़ से नष्ट कर देती है और उनके पुण्यों को पुनः उन्हें प्रदान करती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव देवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पापमोचनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, पारणा के समय ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पापमोचनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके पापमोचनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ढावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी स्वामी, शरण गहु में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करु मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलतालकाय, कपाल मालांकृत शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि हि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतदेवास्तानि धर्माणि भूमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायैश्चात् सार्वभौमा सर्वायुष अन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय। एकराडितदपेश श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसंग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद संबाहुभ्यां दमति संपत त्रेर्द्याव भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। अवधिशक्तिज विद्महे जगदमाताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्।
ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वपापहरोहर। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरोहर सर्वपापहरोहर सर्वपापहरोहर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदरियम ने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो गौ माता की रक्षा हो। आज के आनंद की जय कल के आनंद की जय परसों के आनंद की जय बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा ताकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे और आपके इस YouTube चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी का जो निशान है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।